आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ सविता। पे से अब तक की बड़ी खबरें। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे कुंतल घोष से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज ईडी दफ्तर में कुंतल की पत्नी पहुंची है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जयश्री को कई मुद्दे पर जानकारी हासिल करने के लिए तलब किया गया है। सीएम ममता बनर्जी अचानक नवानों की पांचवी मंजिल पर गए। उन्होंने गृह और पर्वतीय मामले विभाग का दौरा किया, कर्मचारियों से बातचीत की। हालांकि ज्यादातर कुर्सियां खाली देखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। दुर्गापुर चंडीदास बाजार स्थित एक दुकान पर कब्जा को लेकर बमबाजी की घटना से हलचल मच गई। ज्ञात हो कि मंगलवार की शाम चंडीदास बाजार में एक कपड़ा व्यवसायी से मारपीट की सूचना पाकर एसीपी तथागत पांडे के नेतृत्व में व्यापक संख्या में पुलिस पहुंची थी। इस मामले की जांच जारी है। हम लोग अंदर में बच्चे लोग को सुला रहे, सेरेब्रल पल्सी एक हैंडिकैप बच्चे है। देख रहे बाहर में इतना जोर से आवाज हुआ, सब टूट गए हैं। इतना बच्चे लोग बहुत डर गए हैं। हम लोग क्या करेंगे नहीं पता चल रहा। अब बम आवाज हुए है, बम दो बम फेंके हैं जोर से, बहुत जोर आवाज हुआ है। कोटा बच्चा चले बारी था अपना। आपने क्या चिल्लन भाई थे? हाँ, माँ है, तीन बच्चा है मेरा घर। प्रेग्नेंट? अच्छा, हम प्रेग्नेंट है। हम लोग बहुत डर गए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को समझ नहीं आ रहा। कैसा करना, उन्होंने एक डिस्प्यूट आ चें, और की जो लोग के बम मेरे चें, की आदो की मेरे चें, शेटा बोलते बार बोला। रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र के खिलाफ तृणमूल सांसदों ने संसद के गांधी मूर्ति के निकट धरना दिया। ईडी ने कथित पशु तस्करी घोटाले की जांच सिलसिले में तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के सीए को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार देर शाम शहर में स्थित अपने कार्यालय में करीब 7 घंटे तक पूछताछ के बाद सीए मनीष कोठारी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।